हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी स्नेहा माँ की किचन में एकदम यूनिक स्टाइल में बनने जा रही है मटर मशरूम तो प्याज़ा। दोस्तों, आप सभी ने मटर मशरूम की रेसिपी तो ज़रूर अपने घर पे बनाई होगी, बट जो आज हम बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं मटर मशरूम तो प्याज़ा एकदम डिफरेंट स्टाइल में। दोस्तों, आज हम ये सब्ज़ी बनाएंगे मटर मशरूम तो प्याज़ा, तो जिसके आगे आपको ढाबा या रेस्टोरेंट की जो सब्ज़ी वो भी फीकी लगने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 मशरूम के पैकेट इस तरीके से, तो आपको जितने भी बनाने हैं आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पे पहले हम इसकी जो पैकिंग होती है वो हटा देते हैं और इनको निकाल लेते हैं प्लेट पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऊपर से जो इनकी गंदगी कितनी नज़र आ रही है। इसी तरीके से काफ़ी गंदे भी होते हैं मशरूम। तो यहाँ पे पहले हम इसके ऊपर से हल्की हल्की सी कटिंग कर देते हैं इस तरीके से। वैसे तो ये वाला पोर्शन ज़्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं हल्की सी कटिंग कर देती हूँ इस तरीके से, जो ऊपर का गंदा पार्ट होगा वो इस तरीके से निकल जाएगा। उसके बाद चाकू की हेल्प से हल्के हाथों से हम इस तरीके से मशरूम के ऊपर जो गंदगी है वो इस तरीके से हम हल्के हाथों से हटाते जाएंगे। तो इस तरीके से सारी गंदगी होती है वो मशरूम पे से हट जाती है। और फिर इस तरीके से करने के बाद हम थोड़ा सा गर्म पानी ले लेंगे, जिसमें हम मशरूम को केवल 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि और भी अच्छे से हमारे सारे मशरूम होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। आप चाहें तो मशरूम को बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बॉईल नहीं करेंगे मशरूम को, केवल मशरूम को गर्म पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि सारे मशरूम जो होंगे वो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गर्म पानी ले लिया इस तरीके से, सारे मशरूम मैं इसमें डाल दूंगी और हाथों से थोड़ी देर मशरूम को हम इस तरीके से मसल देंगे, जिससे कि जितनी भी गंदगी होगी मशरूम के ऊपर वो निकल जाएगी। तो इसी तरीके से 10 मिनट के लिए मैं यहाँ पे इनको छोड़ देती हूँ। और एक बात और दोस्तों, कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं? अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, बिल्कुल स्किप ना किया करें। और अगर आपको वीडियोस में कुछ कमी लगती है तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, करीबन 10 मिनट हो चुके थे मशरूम को पानी में डिप किए हुए। तो इस तरीके से अब सारे मशरूम को हम निकाल लेते हैं बाहर, और आप देख सकते हैं कि जो पानी है कितना गंदा हो चुका है। तो इसी तरीके से 2 बार मैंने मशरूम को साफ पानी से धुल लिया था इसके बाद। तो यहाँ पे देखिए, साफ मशरूम हमारे पास हो जाएंगे और जितनी भी गंदगी होगी वो सारी इस तरीके से निकल जाएगी। तो अब चलते हैं आगे, और यहाँ पे जो मशरूम रखे हुए थे इनकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी चाहे कटिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं इस तरीके से इनकी कटिंग कर रही हूँ। लंबाई में तो एक मशरूम से 3 से 4 पीस हम इस तरीके से पतले पतले कट कर लेंगे। आप मोटे पतले जैसे भी चाहें उस हिसाब से मशरूम को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सारे जो मशरूम है हमने कट करके तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ, और गैस पे रख दिया था मैंने पहले ही कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। साथ में मैंने कुछ खड़े मसाले लिए थे, यहाँ पे मैंने लिया 2 तेजपत्ता, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग। तो इन सभी चीज़ों को 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज की प्यूरी बना के रखी, तो प्यूरी को भी हम डाल देंगे। और प्यूरी को भी अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, जब तक इसका जो सारा मॉइस्चर है वो खत्म ना जाए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए इस प्यूरी का। यहाँ पे देखिए, प्याज की जो प्यूरी थी वो भी अच्छे से भुन चुकी है, जो सारा मॉइस्चर था वो भी खत्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम कुछ बेसिक मसाले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डाल देंगे 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, साथ में हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और फिर इन सभी मसालों को अच्छे से प्यूरी के साथ मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे मसाले जल ना जाए, इसके लिए यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1 छोटी ग्लास पानी इसमें, और अच्छे से मसालों को और प्यूरी को इस तरीके से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि जो मसाले होंगे बहुत अच्छे से हमारे भुन जाएंगे और एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा मसालों का इस तरीके से। तो यहाँ पे मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच के करीब कसूरी मेथी। इस तरीके से जब भी हम पहले कसूरी मेथी डालते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है हमारी ग्रेवी में। और यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अच्छे से मसाले जो हैं सारे भुन चुके हैं, और बहुत ही अच्छा से एक फ्लेवर भी आने लगा था इस टाइम पे। और अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच घर की फ्रेश दही, जिसको मैंने फेंट के लिया है यहाँ पे। और दही डालने का लगातार हमें इसको चलाते रहना है, जिससे कि जो हमारी दही है वो फट ना जाए। तो इस तरीके से हम लगातार चलाते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, लगातार चलाने का जो हमारी ग्रेवी का कलर है कितना अच्छा सा आ चुका है, जो दही है वो भी अच्छे से मिक्स हो चुका है ग्रेवी में, और कितने अच्छे से जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, तो प्यूरी को भी हम साथ में ही डाल देंगे, कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे फिर मैंने ले लिए 2 हरी मिर्च, आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से जब भी हम मिर्ची डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी का भी। और यहाँ पे टमाटर और मिर्ची डालने का 2 से 3 मिनट फिर से हम पका लेंगे। जब ग्रेवी हमारी अच्छे से पक जाएगी, तो फिर यहाँ पे मैंने लिए थे
दो मीडियम साइज़ के प्याज जिनके इस तरीके से मैंने पेटल्स निकाल दिए थे, और फिर इनको भी हम डाल देंगे और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पे प्याज को हमें सॉफ्ट नहीं करना, थोड़ा क्रंचीनेस ही रखनी है प्याज में, जिससे कि जो हमारी सब्ज़ी बनेगी उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे मैंने ले ली थी बॉइल वाली मटर, आप चाहें तो फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं, और यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे मटर को भी मिक्स। दोस्तों सबसे मेन बात इस सब्ज़ी की ये है कि हम यहाँ पे बना रहे हैं मटर, मशरूम दो प्याज़ा, तो जिसके लिए प्याज को हमें बिल्कुल भी पहले नहीं डालना है, यानी कि प्याज को हमें भूनना नहीं। इसी तरीके से हमें प्याज को ग्रेवी पकने के बाद डालना है, जिससे कि प्याज में क्रंचीनेस रहेगी। अब यहाँ पे देखिए मटर और प्याज को हमें थोड़ा सा पका लेना है इस तरीके से। इसके बाद जो हमने मशरूम कट करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और मशरूम डालने के बाद अच्छे से कर लेंगे हम इसको भी ग्रेवी के साथ मिक्स। और यहाँ पे दोस्तों इतनी टेस्टी ये सब्ज़ी बनने वाली है कि आपने इससे पहले इतनी टेस्टी सब्ज़ी ढाबा या रेस्टोरेंट पे नहीं खाई होगी, जिसको हम घर पे इतने आसान तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे एक ग्लास के करीब पानी, या फिर जितनी भी आपको पतली या ग्रेवी वाली सब्ज़ी रखनी है आप उसके हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और पानी डालने के बाद फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से इसको पकने देंगे, जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आने लगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारी ग्रेवी में अच्छे से उबाल आने लगा है, और जो हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से पकने लगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इसको पकने में, क्योंकि जो मशरूम होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, साथ में हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और कर लेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए और हम इसको पकने देंगे, और बस यहाँ पे हमारी बढ़िया सी जो मशरूम दो प्याज़ा वो बन के तैयार हो चुकी है। दोस्तों इस स्टेज पे कर देते हैं अब गैस का फ्लेम ऑफ, और कर लेते हैं हम अपनी मटर मशरूम दो प्याज़ा को सर्व। तो लग रही है ना देखने में दोस्तों कितनी लाजवाब ये सब्ज़ी। तो यकीन मानिए दोस्तों अगर आप एक बार मेरे तरीके से इसको बनाएंगे तो सभी आपके घरों में उंगली चाटते रह जाएंगे। तो ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं हरा धनिया। तो बस दोस्तों यहाँ पे हमारी परफेक्ट मटर मशरूम दो प्याज़ा बनकर हो चुकी है तैयार। आप इसको सर्व करिए रोटी के साथ, पूड़ियों के साथ, या फिर राइस के साथ, सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो दोस्तों सीजन भी है मशरूम का, तो क्यों ना आप भी झटपट ये रेसिपी बना के तैयार करें। और दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज की ये मटर मशरूम दो प्याज़े की रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो और एक नई रेसिपी है। तब तक के लिए अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में लगे हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको साथ साथ न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।